वही बात करें अगली खबर की तो लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने में लगे हैं। वही उत्तराखंड के नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद अजय भट्ट पर मोहर लगाकर पूर्ण विश्वास जताया है, जिस पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल के नेतृत्व में जसपुर विधानसभा क्षेत्र में 62 का चुनाव कार्यालय का विधिवत हवन पूजन के बाद कार्यालय का शुभारंभ किया। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी और इसलिए कि उसका जो पहले से जो प्रोग्राम होते हैं उसकी तैयारी पहले से हो जाती है, लोकसभा की पूरी तैयारी है और हमें निर्देश दिया गया है कि 10 तारीख को पूरे उत्तराखंड के अंदर हर विधानसभा में चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन हो जाएगा। उसी संदर्भ में आज जसपुर में एक कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और माननीय अजय भट्ट जी हमारे प्रत्याशी हैं और हमारी सबने ये एक प्रतिज्ञा ली है, प्रण लिया है कि उनको इस बार 5 लाख से ज़्यादा वोटों से इस लोकसभा से जिताएंगे। इसलिए 5 साल जब हम इलेक्शन जीतते हैं उसके बाद से दूसरी इलेक्शन की तैयारी कर देते हैं। पिछले 5 साल से हम लगातार भारतीय जनता पार्टी वो पब्लिक में जाकर जनता में जाकर काम कर रही है, इसलिए हमको तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा काम करा कराया है और हमारा कैंडिडेट भी डिक्लेयर हो गया है और 10 तारीख तक हमने सारे उत्तराखंड में अपने चुनाव कार्यालय खोलने हैं और सभी कार्यक्रम हमारे चालू हुए हैं। इसमें हमें कोई हमारी जो तैयारी ऑलरेडी है विपक्ष के लोग तो आज की डेट में उनको कैंडिडेट नहीं, तो हमारी पूरी तैयारी है।